अगर आप बागवानी करते हैं या फिर गार्डनिंग करते हैं, अपने घरों में अपने बागीचे में नए नए प्लांट लेकर आते हैं और ख़ासकर अपना कीमती समय अगर आप पेड़ पौधों को देते हैं, तो गाइज इसका कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा। और अगर हम बात करें फ्लावरिंग प्लांट की, फूलों वाले पौधे की, तो इन्हें लगाने का हमारा मेन पर्पस इतना होता है कि हम इनसे बढ़िया क्वालिटी में और क्वांटिटी में रंग बिरंगे फूल ले सकें। लेकिन देखा जाए तो जो भी हमारे फूलों वाले पौधे होते हैं, इनसे हमारा पर्पस पूरा नहीं हो पाता है, हम इनसे बढ़िया क्वालिटी में और क्वांटिटी में फूल नहीं ले पाते हैं। सो हेलो एंड नमस्ते गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्लोरा नर्चर के एक और बहुत ही शानदार सेगमेंट में। तो गाइज आज की वीडियो में हम फूलों वाले पौधे से ज़्यादा फूल कैसे ले सकते हैं, इनकी क्वांटिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आपको वीडियो कहीं भी पसंद आता है तो आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को आप फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। फूलों वाले पौधे से फूल लेना कोई बड़ी बात नहीं होती है, फूल देना इनका नेचर होता है, इनकी प्रॉपर्टी होती है, या फिर कहें तो इनका गुण होता है। तो अगर आपके फूलों वाले पौधे में बिल्कुल फूल नहीं आ रहे हैं तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं और इसका आपको ध्यान रखना है। इसके मुख्य दो कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है कि आप अपने पौधे को असमय लगाते हैं, या फिर साधारण भाषा में कहें तो आप अपने पौधे को सही समय पर या फिर सही मौसम में नहीं लगाते हैं। मान लीजिए आपका पौधा किसी पार्टिकुलर सीजन का है, और अगर आप उस पार्टिकुलर सीजन को छोड़कर किसी दूसरे समय अपने पौधे को लगाती हैं, तब उस पौधे में फूल आने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो ऐसे में अगर आप फूल लगा रहे हैं, फूलों वाले पौधे लगा रहे हैं, तो उसके लगाने का समय आप ज़रूर मालूम कर लें। कई बार क्या होता है कि हम नर्सरी जाते हैं या फिर कोई भी प्लांट को हम कहीं से लेकर आ जाते हैं बिना जाने कि पौधे की क्वालिटी कैसी है, पौधा कैसा है, कैसा ग्रो करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सही पौधे की जगह पर हम जंगली पौधा लेकर आ जाते हैं, तो ऐसे में गाइस उनमें हमें फूल नहीं मिल पाता है। तो गाइज़ आपको इन दोनों बातों का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप अपने पौधे से फूल लेना चाहते हैं। तब नॉर्मली जब हम अपने पौधों की देखभाल करते हैं, उनमें पानी डालते हैं, उन्हें सनलाइट में रखते हैं, या फिर उनकी मिट्टी हम समय समय पर बदलते हैं, तो ऐसा करने से हम अपने पौधों में कुछ साधारण फूल ही ले पाएंगे। सो गाइज़ अगर आपको अपने पौधे की बढ़वार बढ़ानी है, इनके फूलों की संख्या बढ़ानी है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और इसे अपने गार्डनिंग के एक्सपीरियंस में आपको शामिल करना पड़ेगा। काफ़ी साधारण सी बातें हैं, तो गाइज़ अगर आपको इनके बारे में पढ़ना है तो आप हमारे ब्लॉग पर भी विजिट कर सकते हैं, फ्री है एकदम से, आप वहाँ पर जाकर इनके बारे में कुछ अधिक जान सकते हैं। फिलहाल के लिए हम बात करते हैं कि हम इनके फूलों की संख्या कैसे बढ़ा सकते हैं, इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं। आमतौर पर जब हम नए पौधे लेकर आते हैं, हम उसे किसी भी आकार के गमले में आसानी से लगा देते हैं और ऐसा मानते हैं कि जो भी हमारा काम था ये समाप्त हो गया है। कुछ समय बाद पौधे की जड़ें बढ़ना शुरू होती हैं और साथ में पौधा भी अपना आकार बढ़ाने लगता है, इसमें फूल भी बढ़िया आते हैं। लेकिन कुछ समय बाद होता है कि जो भी पौधे की जड़ें होती हैं, ये मिट्टी को पूरी तरह से, गमले को पूरी तरह से घेर लेती हैं और इनके पास अधिक जगह नहीं रहता है बढ़ने के लिए। तो ऐसे में गाइस पौधे की भी ग्रोथ रुक जाती है और पौधे में भी बढ़वार नहीं हो पाती है। ऐसा तब होता है जब हम अपने पौधों को छोटे आकार के गमलों में लगा देते हैं। तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप प्लांट लगा रहे हैं उसके जड़ों के आकार और फैलाव के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो गाइस अगर आप चाहते हो कि आपके प्लांट में बढ़िया से ग्रोथ होती रहे और पौधा हमेशा फूल देते रहे, अधिक क्वांटिटी में दे, तो आप अपने गमलों का चुनाव कुछ इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप कोई मौसमी फूल लगा रहे हैं, कोई सीजनल फूल लगा रहे हैं, तो उसके लिए आप कोशिश करें कि आपके जो भी गमले हों वह इतने बड़े ज़रूर हों कि पौधा उसमें एक सीज़न आराम से काट सके। तो गाइज़ अगर आप सीजनल फूल लगा रहे हैं तो उसके लिए आप कम से कम 5 इंच का गमला ज़रूर लें एक प्लांट के लिए। वहीं बात करते हैं अगर हम परमानेंट प्लांट के लिए, पूरे साल चलने वाले पौधों का, तो आप उनके लिए गमलों का चुनाव कुछ इस तरह से कर सकते हैं। उनके लिए आप कम से कम इतने बड़े गमले ज़रूर लें कि पौधा उसमें कम से कम 2 से 3 सीज़न, 2 से 3 मौसम आराम से चल सके। तो बढ़िया ग्रोथ के लिए और बढ़िया फ्लावरिंग के लिए अगर आप परमानेंट प्लांट लगा रहे हैं तो उसके लिए आप कम से कम 8 इंच का गमला ज़रूर लें। गमले के चुनाव के अलावे पौधे के लिए मिट्टी आप उसकी ज़रूरत के अनुसार ले सकते हैं।
पौधे को लगा देने के बाद इनके अंदर तेज़ी से ग्रोथ होने लगता है। और ऐसे में गाइस जो भी पौधे होते हैं ये अपना ग्रोथ ज़्यादातर लंबाई की ओर बढ़ाते हैं, और इस कारण से जो भी हमारा पौधा होता है इसके अंदर ढेर सारी टहनियाँ ग्रो होने के बजाय सिर्फ लंबाई में एक मेन ब्रांच ही ग्रो हो पाता है। और ऐसे में जब इनमें फ्लावर आते हैं तो एक मेन ब्रांच होने के कारण इसमें कलियाँ भी कम बनती हैं और पौधे में फूल भी कम आते हैं। तो इस अवसर का आप कुछ इस तरह से फ़ायदा ले सकते हैं। जो भी ऊपर से शाखाएं बढ़ रही होती हैं आपको ऊपर से 2 से 3 इंच छोड़कर आपको छटाई कर देनी है, या फिर कहें तो उसकी पिंचिंग कर देनी है। ऐसा करने से पौधे के अंदर एनर्जी स्टोर होगा, ऊर्जा स्टोर होगा और साइडों से ढेर सारे ब्रांच आपको देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस जिस पौधे में हमने पिंचिंग की हुई थी उस पौधे का आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। जहाँ से हमने पिंचिंग किया हुआ था वहीं से 2 से 3 ब्रांचेस साइडों में इसके निकल चुके हैं, और जहाँ हमें एक मेन ब्रांच में केवल एक ही कली मिलने वाली थी वहीं पर हमें 3 अलग अलग फ्लावर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो गाइस आप कुछ इस तरह से अपने पौधे को ज़्यादा घना कर सकते हैं और अधिक क्वांटिटी में फूल ले सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि फूलों वाले पौधे में आपको सबसे अधिक क्या पसंद है तो बेशक आपका जवाब होगा कि उसके फूल हमें सबसे अधिक पसंद हैं। प्लांट में हम फूल लेने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन एक बार जब फूल उस पर खिल जाते हैं तो हम उसका ध्यान नहीं देते हैं। लगभग सभी फूलों वाले पौधे में फूल खिलने के बाद उसमें पॉलिनेशन होता है, या फिर कहें तो परागण की प्रक्रिया होती है, जिसके बाद उसमें सीड बनने लगते हैं। इस प्रक्रिया में प्लांट के अंदर जितने भी ऊर्जा होती है ये सभी सीड बनने में खर्च हो जाती है। तो ऐसे में गाइस पौधे के अंदर कोई शेष ऊर्जा नहीं बच पाती है जिससे कि पौधा नए कली को ला सके या फिर पौधे में फिर से फूल खिल सके। अब मेरे इस गुलाब के पौधे को देख सकते हैं, इसमें मैंने सीड बनने के लिए छोड़ा हुआ है। तो पौधे की कंडीशन आप देख सकते हैं, पौधे की कंडीशन एकदम से ख़राब हो चुकी है और पौधे में एक भी आपको फ्लावर देखने को नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ आप इस पौधे को देख सकते हैं, इसमें मैंने सीड बनने के लिए नहीं छोड़ा है तो इसकी फ्लावरिंग भी अभी कंटिन्यू हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे में हमेशा फूल खिलती रहे तो आपको अपने पौधे में जितने भी खिले हुए फूल हैं उसे रिमूव करते रहना है, या फिर कहें तो जितने भी सीड पॉट बन रहे हैं जहाँ जहाँ भी सीड बन रहा है उसे आपको रिमूव कर देना है। ऐसा कर देने से पौधे के अंदर ऊर्जा स्टोर होगी जिससे कि पौधे में नई नई कलियाँ खिलेंगी और बाद में इसमें फूल भी आएंगे अधिक क्वांटिटी में। अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे में बीज बने तो आप मौसम के अंत में आप अपने पौधे के फूलों को छोड़ सकते हैं। ऐसा करने से आप मौसम भर फूल ले सकते हैं और अंत में आपको सीड भी मिल जाएंगे। फूलों वाले पौधे की खुराक किसी भी आम पौधे के मुकाबले काफ़ी अधिक होती है। तो ऐसे में गाइस जो भी हमारे प्लांट होते हैं फूलों वाले इसके अंदर आपको जो भी पोषक तत्व होते हैं इन्हें बरकरार रखने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभार क्या होता है कि पोषक तत्व की कमी से पौधों में अधिक फूल नहीं आ पाते हैं, कुछ हद तक ही फूल खिलते हैं, उसके बाद फूल आना बंद हो जाता है। तो इसके लिए आप अपने पौधों में खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं तो अपने 8 से लेकर 10 इंच के गमले में आप 5 ग्राम तक के रासायनिक खाद हर महीने डाल सकते हैं। वहीं बात करते हैं कि अगर आप जैविक खाद इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने 8 से लेकर 10 इंच के गमलों में 5 से लेकर 10 ग्राम तक के खाद हर 15 दिन में डाल सकते हैं। तो अगर आप अपने पौधों में साधारण देखभाल के साथ इन सभी बातों का भी ध्यान रखते हैं तो आप अपने पौधों से अधिक फ्लावरिंग ले सकते हैं, अधिक संख्या में फूल ले सकते हैं। तो गाइज़ मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके। अगर आपको कुछ समस्या है तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इन सभी के अलावे अगर आपको गार्डनिंग से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ने हैं तो आप हमारे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं, फ्री है और आपको काफ़ी कुछ जानने को भी मिलने वाला है। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। Till then, be motivated, keep motivated, and stay tuned with Flora Nurture.